हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल खान इलेक्ट्रिकल्स पे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेडेस्टल फैन के ऊपर। जो स्टैंड वाला फैन होता है इसे पेडेस्टल फैन बोलते हैं। तो इसमें क्या परेशानी है मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। अगर उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो दोस्तों, इसकी दिक्कत यह है कि ये चलते चलते ऐसे रुक जाता है, यानी कभी कभी आवाज़ भी करने लगता है। तो चलिए इसे लगा करके इसकी टेस्टिंग करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही आवाज़ करता है, मतलब घूं की आवाज़ पहले करता है, उसके बाद चलता है। कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते इसे रुक ही जाता है। देखिए आवाज भी कर रहा है कसके एकदम। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी जाली हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो पर लगा हुआ है इसे खोलेंगे बड़े पेचकस की सहायता से ऐसे। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके देखेंगे आगे पीछे। तो अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत हिल रहा है, लग रहा है कि इसका शाफ्ट कट चुका है। तो इसका बैक वाला हिस्सा हम ओपन करेंगे, इसके वायर को हटाएंगे सारे वायर को, और इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं सारे स्क्रू को ओपन करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके स्क्रू खोल दिए और इसे ओपन कर दिया है। देखिए इसका एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें जो वायर लगे हुए हैं सब वायर को हम अलग करेंगे। उसके बाद इसका जो हिस्सा है अंदर वाला वो खोल के हम निकालेंगे, क्योंकि आवाज़ या तो वायरिंग से आती है या फिर जो शाफ्ट लगा होता है वो कट जाता है, उसकी वजह से आती है। तो सारे वायर को हम अलग करेंगे ऐसे, जितने वायर इसमें लगे हुए हैं। ये बहुत कमज़ोर था इसका स्विच, इसको भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जल गया था। देखिए यहाँ पे सब दोस्तों, इसके वायर को मैंने अलग कर दिया है और इस कैपेसिटर को भी अलग करना पड़ेगा। अब हम पेचकस की सहायता से ये जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं सब खोलेंगे एक एक करके। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसके चारों स्क्रू खोल दिए हैं। अब इस पे हम एक ऐसे लकीर पारेंगे ऐसे कि मतलब जैसे हमको फिटिंग करने में बाद में तकलीफ ना हो, ये जो होल हैं बस इसी के हिसाब से मिले। हम इसके जो वो लगा हुआ शाफ्ट वो पूरा निकालेंगे, तो यहाँ पे हल्की हल्की चोट हम मारेंगे ऐसे। अभी निकला था दोस्तों, दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे निकाल दिया है। इसका जो शाफ्ट है वो आधा कट चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चमक रहा होगा, ये आधा कट चुका है। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये चमक रहा होगा, इधर देखिए एकदम एकदम सही है, लेकिन इधर इतना कट चुका है। तो ये जो वायरिंग है इसमें एकदम ढीली हो गई थी, घूम रही थी ढीली ढीली, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे हिल रहा था और आवाज़ कर रहा था। तो अब इसे हमको सही करना पड़ेगा। तो अब इसे हम कैसे सही करेंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं अभी, देखिए। हाँ तो दोस्तों, ये जो वायरिंग यहाँ पर ढीली पड़ रही थी, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से दुकान वगैरह बंद होगी बिल्डिंग की, जिसकी वजह से इस पर माल रखा करके मतलब
एकदम इसके लेबल का करना था, तो अभी तो बंद चल रहा है सब कुछ, इसी वजह से अभी हम काम चलाएंगे इस पर पंचिंग कर कर करके छेनी और हथौड़ी से मारेंगे, जिससे बैरिंग एकदम टाइट यहाँ पर पकड़ेगी। तो चलिए इस पर पंचिंग करेंगे हम, हल्का हल्का मार करके यहाँ पे जहाँ पर गड्ढा हो गया है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे, ज़्यादा कस के भी नहीं मारेंगे, नहीं तो वायरिंग जाएगी नहीं वहाँ पे। तीन, हाँ तो दोस्तों देखिए इस पे मैंने पंचिंग कर दी है, अब इस वायरिंग को हम इसके अंदर बैठाएंगे एकदम अच्छी तरीके से। इसके लिए कि ये पाइप देखिए, इस पाइप की सहायता से हम इस पे मारेंगे। देखिए दोस्तों एकदम फिक्स जा करके ये बैठ गई है, अब नहीं हिल रही है जैसे पहले हिल रही थी। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने ये जो वायरिंग थी फिटिंग कर दी है, इसमें ग्रीसिंग भी लगा दी है और ये जो पीछे वाला हिस्सा था इसमें इसे फिट कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग इस पंखे के साथ करेंगे, जहाँ पे लगा ये जो निशान मैंने बनाया था, इस निशान के मदद से हम इसे फिट करेंगे, इसे जिस प्रकार से फिट था। तो ऐसे देखिए वायर जहाँ से निकला था वहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, उसके बाद इसे ऐसे धीरे धीरे ले जा करके जहाँ पे लगा था वहाँ पे लगा देंगे। अब इसे मारना पड़ेगा हथौड़ी की सहायता से, अभी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस लकड़ी की सहायता से हमको ऐसे ऐसे मारना पड़ेगा इस पे, क्योंकि ये बैठ नहीं रहा था, ये पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब इसके जो स्क्रू लगे हुए थे जहाँ जहाँ पे हम वहाँ वहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए ऐसे स्क्रू लगाना आपको, जो जो स्क्रू लगे थे। उसके बाद इसे चालू करके टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि आवाज़ जब आती है तो आदमी को नींद भी नहीं आती है रात में, पंखे आवाज़ अगर करे, कोई भी पंखा आवाज़ करे। तो इसे हम पेचकस की सहायता से अच्छे से टाइट करेंगे, वो बढ़िया तरीके से ऐसे। हाँ तो दोस्तों चलिए हम इसकी फिटिंग जैसे था ये जैसे जैसे इसमें लगा हुआ था तार वैसे हम लगा करके इसकी टेस्टिंग करेंगे और फटाक से इसकी फिटिंग करके आप लोगों को चला के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, मैंने सीरीज की भी वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए ऐसे ये कॉमन वायर है, इसमें एक वायर लगाएंगे हम और एक वायर इसमें लगाएंगे, ये वायर इधर उधर भी आप कर सकते हैं, काला इधर कर सकते हैं, लाल उधर कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जहाँ पर भी आप करना चाहें। अब इस पे हम टेप लगाएंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसकी फिटिंग कर दी है। अब इसके टेस्टिंग करके, ये रोटरी स्विच जो जली हुई थी हमारे पास नहीं थी, इसी वजह से मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया अभी वैसे, तो इसकी फिटिंग करेंगे। इसका जो ढक्कन लगा हुआ था पीछे, इस ढक्कन को हम ऐसे लगाएंगे अभी, टाइट अभी कर देंगे, पहले इसे देख रहे हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए इसमें हम लाइट दे रहे हैं, देखिए चल रहा है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। ये तो वायरिंग पुरानी लगी हुई थी, थोड़ा बहुत तो इतना आएगी लेकिन वैसी आवाज़ नहीं। अब इसका हम पर जो है प्लेट है उसे लगा करके चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका पर लगा दिया, अब इसकी एक बार टेस्टिंग करेंगे चालू करके। देखिए मैंने चालू कर दिया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है और आप देख ही रहेंगे किस प्रकार से आवाज़ कर रहा था। एक बार बंद करेंगे हम, एक बार फिर से चालू करेंगे इसे, देखिए एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, ना खिट ना पिट। अब इसके ऊपर का जो जाली है वो लगाएंगे और इसके बाद एक बार फिर से चलाएंगे। चलिए इसकी जाली हम लगा रहे हैं, आप
लेते हैं, ऐसे दबा करके इसे लगाना है, बस ये हो गई है। फिर से इसकी टेस्टिंग करेंगे हम। बस तो मैं पंखे के ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चल रहा है पेडेस्टल फैन हमारा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।